सिवनी मालवा मस्जिद मोहल्ला तिराहे पर लोगों के द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को नगर पालिका के द्वारा हटाया गया। नगर पालिका राजस्व निरीक्षक अमर सिंह उइके ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही है कि झाड़ू एवं टोकरी बनाने वाले दुकानदारों के द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर सामान रखा जा रहा है, जिससे कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। उक्त दुकानदारों को कई बार समझाइश दी जा चुकी है, परंतु दुकानदारों के द्वारा सामान नहीं हटाया जा रहा था। जब हमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो दुकानदारों के द्वारा अधिकारियों से बहस की जाने लगी, जिस पर आज नगर पालिका के द्वारा सख्ती से हमले के साथ पहुंच सामान हटवाया गया है। साथ ही कलर पेंट से लाइन भी डाली गई है। यदि अब दुकानदारों के द्वारा उस लाइन से बाहर सामान रखा जाता है तो जब्ती सहित जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सिवनी मालवा में पत्थर पुल से लेकर उपनगरी बानापुरा तक सड़क के दोनों ओर पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, परंतु अतिक्रमण के चलते उन पर चलने की जगह ही नहीं है। लोहा बाजार में सभी दुकानदारों के द्वारा फुटपाथ पर ही अपने सामान रखे हुए हैं। साथ ही बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों के द्वारा फुटपाथ पर रेत एवं गिट्टी के ढेर लगा रखे हैं, परंतु उसके बाद भी नगरीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द फुटपाथ से भी अतिक्रमण हटाया जाए, जिससे कि आमजन को भी लाभ मिल सके। किस प्रकार की कार्रवाई है क्या है? सीएम हेल्पलाइन में लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि रोड पे फोर व्हीलर, टू व्हीलर और ये डले टोकनों की ये दुकान है, इनके द्वारा रोड पे रख ली जाती है। तो हम लोग इनको कम से कम 2 साल में कम से कम 20 बार इनको सूचना पत्र नोटिस भी दिया कि भैया आप अपना सामान अंदर रखें, क्योंकि यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, लोग गिरे भी और ट्रैफिक भी जाम होता है। तो इन लोगों को कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन इन लोग के द्वारा कोई मतलब समस्या का हल समझ में नहीं आया। तो आज मैं इसलिए आया था कि भाई आप अपने डले टोकले अपने पास में अपने हद पे रखें और अपना व्यवसाय करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम पब्लिक को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि लोग कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ है, यदि कहीं कोई जनहानि हो जाती है तो इसका जवाबदार कौन होगा, इसलिए इनको समझा ही दी। कुछ नहीं, आज इनका अभी पेंट बुलाया हूँ तो यहाँ रोड पे लगा देते हैं कि भाई आप इससे बाहर रखेंगे तो जुर्माना जब्ती कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए। नगरीय क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल्स के भी सामान पूरे रास्ते में पड़े हुए हैं, गिट्टियां पड़ी है, इनको हमने नोटिस भी जारी किया है और अब जब्ती की कार्रवाई हमारी चालू है। अभी मैंने गांधी चौक के पास जो रुई की दुकान है, यहाँ पुलिस प्रशासन को बुला के और सूचना पत्र देके हमने जब्ती की भी कार्रवाई की है, जुर्माना भी बनाया।